ये कहानी है नदीमपुर गांव की। इस गांव का नाम नदीमपुर है, पर इस गांव में कोई भी नदी या बड़ा तालाब नहीं है। साथ ही गांव में पानी की बहुत परेशानी है। इस गांव में दो तरह के लोग रहते हैं, पहले हैं अमीर लोग और दूसरे हैं गरीब लोग। नदीमपुर गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। मंदिर के सामने अमीर लोगों की बस्ती है, जबकि मंदिर के पीछे गरीब लोगों की झोपड़ियां हैं। पता नहीं यार, कौन इस गांव में सबसे पहले आया और इसमें इन अमीर लोगों को मंदिर के सामने घर बनाने की जगह दे दी और हम लोगों को मंदिर के पीछे। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता है कि आखिर इन अमीर लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इनको सारे ऐशो आराम दिए जाते हैं और हमें हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। वही ना, तुम ही देख लो, हमारे गांव में पानी के तीन कुएं हैं, जिनमें से दो बड़े कुएं अमीरों की बस्ती में हैं, जबकि एक छोटा कुआं हमारी झोपड़ी में। पहली बात तो ये कि हमें सिर्फ ये कुआं दिया और वो भी छोटा सा, जबकि हम लोग अमीरों से कहीं ज्यादा हैं। हमारे साथ सरासर नाइंसाफी की है। ये सब हमारे पूर्वजों ने किया होगा। हमारे पूर्वजों ने कुछ बुरे काम किए होंगे और उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं यार, भगवान जाने क्या हुआ होगा। हमें उससे क्या लेना देना है, इन बेकार की बातों से तो हमारी तकलीफ नहीं दूर होने वाली है। सही कहा भाई तुमने, हम भी क्यों इन बेकार की फालतू बातों में उलझे हुए हैं। गांव में पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जिस दिन से तेज धूप उगने शुरू हुए हैं, उस दिन से कुएं का पानी कम होता जा रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से कुएं पर कपड़े धोने के लिए मना किया गया है। हाँ हाँ, इसीलिए कपड़े धोने के लिए मना किया गया है। अरे भाई, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, कपड़े धोकर क्या करेंगे। चलो, घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। राम और श्याम अपना मटका लेकर कुएं की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों कुएं के पास पहुँचते हैं। राम बाल्टी कुएं में डालता है और ऊपर खींचता है। वो देखता है कि बाल्टी में तो कुछ पानी नहीं आया। अरे ये क्या हो गया, ये तो खाली बाल्टी ऊपर आ गई। अरे ये क्या, कहीं कुएं से पानी खत्म तो नहीं हो गया। लग तो ऐसा ही रहा है। राम और श्याम दोनों कुएं में झांकते हैं। कुआं पूरी तरह से सूख गया है। अरे यार, जिस बात का डर था वही हो गया। अभी तो गर्मियां ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और कुआं अभी से सूख गया है। अब क्या करें। अब जो करेंगे ये अमीर लोग ही करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, वो लोग हमें पानी देंगे। लगता तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। राम और श्याम दोनों अपने मटके लेकर अमीरों की बस्ती की ओर जाते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद ये दोनों अमीरों के बस्ती के गेट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी एक अमीर आदमी राजीव इन्हें देख लेता है और वहीं रुक जाने के लिए कहता है। रुक जाओ, कौन हो तुम दोनों और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो। जी मेरा नाम राम है और ये मेरा दोस्त श्याम है। श्याम उस अमीर आदमी को नमस्ते कहता है। जी नमस्ते। पर राजीव ठीक से जवाब नहीं देता। ठीक है, कहाँ से आए हो और यहाँ कहाँ घुस रहे थे। जी हम इसी गांव में रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं। आज तक तो तुम्हें कभी नहीं देखा। जी हम मंदिर के पीछे वाली झोपड़ियों में रहते हैं। अच्छा, तो तुम लोग झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, यहाँ हमारी बस्ती में क्यों आए हो। हमारा कुआं सूख गया है और हमारे घर में पीने तक के लिए पानी नहीं है, इसीलिए हम आपके कुएं से पानी लेने आए हैं। अच्छा, तो अब तुम गरीब लोग भी हमारे कुएं से पानी भरोगे। तो क्या हम लोग पानी लेने के लिए दूसरे गाँव जाएंगे। आप बुरा मत मानिए, हमारा वो मतलब नहीं था। हमें तो बस एक एक मटका पानी चाहिए। एक मटका तो दूर, तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और अगर गलती से भी हमारी बस्ती में कदम रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। देखिए, हमारी मदद कीजिए, अगर आपको कभी कोई जरूरत हुई तो हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तुम गरीब लोग क्या हमारी मदद करोगे, तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम लोग सिर्फ मांगना जानते हो और कुछ नहीं। अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हम आपको दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा,
और अगर हमें किसी चीज की कभी कोई जरूरत हुई और वो चीज हमें तुम गरीब लोगों से मांगने की जरूरत पड़े तो हम भूखे प्यासे रह जाएंगे, पर तुमसे कभी नहीं मांगेंगे। अब निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। राम और श्याम दोनों मायूस होकर अपने घर की तरफ लौटते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो हमें पहाड़ी पर बने कुएं से ही पानी लाना पड़ेगा। वो तो बहुत दूर है, वहाँ से पानी लाने में तो 2 दिन लग जाएंगे, और उस पहाड़ी से तो एक बड़ा मटका पानी ला भी नहीं सकते। कहीं फिसल गए तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर पानी नहीं लाएंगे तो बिना फिसले ही प्यास से मर जाएंगे। चलो कोशिश करके देखते हैं। राम और श्याम दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। 2 दिन पैदल चलने के बाद दोनों आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा कुआं है। अरे ये कुआं तो पानी से पूरा भरा हुआ है। मन तो करता है कि ये कुआं ही उठाकर अपने साथ गांव ले चलूं। इन दोनों की बातें सुनकर कुआं उनसे पूछता है, क्यों इतने पानी का क्या करोगे बच्चों? हमारे गांव का कुआं सूख गया है और पानी की बहुत बड़ी कमी हो गई है। हम लोग यहाँ से केवल एक एक मटका ही पानी ले जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी पर ढलान और फिसलन है, वहाँ से गिरने का भी डर है। कुआं इन दोनों की तरफ देखता है। 2 दिन के इस पैदल सफर के बाद दोनों बेहद थके हुए थे। कुएं को इन दोनों पर तरस आ जाता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे, अब तुम्हें पानी लेने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मैं खुद चलकर तुम्हारे गांव में आऊंगा और सबको पानी दूंगा। कुएं की बात सुनकर राम और श्याम दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। अब कुआं राम और श्याम के साथ इनके गांव की ओर चल पड़ता है। आगे राम और श्याम चल रहे हैं और पीछे कुआं चल के आ रहा है। 2 दिन के इस पैदल सफर के बाद राम और श्याम कुएं के साथ अपने गांव में गरीबों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। पानी से भरा हुआ कुआं देखकर सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। अब ये कुआं सभी गरीबों के घर में पैदल जा जाकर उनको पानी देता है, जिससे अब सभी गरीब लोग अच्छे से कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है और नदीमपुर गांव में अमीरों की बस्ती के दोनों कुएं सूख जाते हैं। आसपास कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है, इसलिए अमीर लोग गरीबों की बस्ती में आने के लिए निकल पड़ते हैं। राजीव अपने दोनों हाथों में बाल्टी लेकर गरीबों की झोपड़ी की ओर आ रहा है। राजीव को आता देख श्याम उसे रोक देता है। कहाँ जा रहे हो तुम? गर्मी की वजह से हमारे दोनों कुएं सूख गए हैं, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या तुम मुझे 2 बाल्टी पानी दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, चले जाओ यहाँ से। हम पर मेहरबानी करो भाई, अगर इस बुरे वक्त में आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग प्यास से ही मर जाएंगे। तो मर जाओ ना, रोका किसने है? भूल गए, जब हमारा कुआं सूख गया था तब तो तुमने हमें अपनी बस्ती में भी नहीं आने दिया था। मुझ पर मेहरबानी करो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे मत बोलो भाई, आखिरकार ये हमारे गांव के ही हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम भूल गए कि इसने हमारे साथ क्या किया था? हाँ मैं नहीं भूला, पर अगर बुरे वक्त में हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। राम राजीव को और बाकी अमीर लोगों को अंदर अपनी झोपड़ियों में लाता है और उनके बर्तन भर कर देता है। अब श्याम भी राजीव और बाकी अमीर लोगों को माफ कर देता है, और राम और श्याम दोनों के कहने पर पैदल चलने वाला कुआं सब अमीरों के घर पर जाकर उन्हें भी पानी देता है। अब पूरे गांव से पानी की कमी दूर हो जाती है और अब इस गांव में अमीर और गरीब सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं।